हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। सो दोस्तों, एसएससी फेस 7 की जो वैकेंसीज़ हैं उसका ऑफिशियल नोटिस आ गया है और जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताई गई हैं। दोस्तों, सभी तरीके की जो गाइडलाइंस हैं वो तो हम एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वैकेंसी से रिगार्डिंग वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। साथ ही साथ जो फॉर्म फिल करने का जो प्रोसीजर है उसकी भी कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर जाकर हम वो नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं। ये फेस 7 की वैकेंसीज का नोटिस है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। चूँकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अगस्त से 31 अगस्त तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, 31 अगस्त 5 बजे तक। पेमेंट की बात करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है और दोनों के लिए लास्ट डेट 2 सितंबर है। ऑफलाइन मोड में पेमेंट अगर करेंगे तो चालान जनरेशन की लास्ट डेट 2 सितंबर है और उस चालान को आप बैंक में जाकर सबमिट कर सकते हैं 4 सितंबर 2019 तक। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो 14 से 18 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट रहेगी। दोस्तों, वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं आपकी जो रीजनल वेबसाइट है, यानी जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन की वेबसाइट पर भी रेगुलरली चेक करते रहिए। कोई चेंजेस आते हैं वैकेंसीज में या फिर चेंजेस आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या फिर कुछ यहाँ पर न्यू वैकेंसीज जुड़ती हैं तो वो सब चीज़ें वहीं पर आपको बता दी जाएंगी। यहाँ पर आपका रीजनल सेंटर का जो एड्रेस है वो भी मेंशन है और एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर होगा, किस किस रीजन में, वो भी यहाँ पर आपको मेंशन होगा, मिल जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी एब्रिवेशन यूज़ हुई है एंटायर प्रोस्पेक्टस में वो लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, NXT 3 मिलेगा आपको। NXT 3 के अंदर जितनी भी पोस्ट हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, कोई पर्टिकुलर पोस्ट है उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है या फिर उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है आपको, तो उसकी जानकारी भी आपको जो NXT 3 है उस पर्टिकुलर एनेक्सर में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी वीडियो के आगे प्रोसेस में उसको बताऊंगा। फिलहाल हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे नेशनल सिटीजनशिप बताई गई है, इंडियन सिटीजन या फिर नेपाल या भूटान के सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों, कैटेगरी बी से लेके कैटेगरी ई तक यदि आप बिलोंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट इंडियन गवर्नमेंट से आपको इशू करवाना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों 100 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। मेल कैंडिडेट जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फ़ीस है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए कोई फ़ीस नहीं है। पेमेंट मोड मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड तरीके से आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, यदि स्टेटस सक्सेसफुल है उसके बाद आपका एप्लीकेशन कम्प्लीट होगी। तो आपने अगर फॉर्म अच्छे से कम्प्लीट कर लिया हो लेकिन आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा हो तो आपकी पेमेंट इसमें कम्प्लीट नहीं होगी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर ही आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई करना है ताकि आपको लास्ट डेट के लास्ट के टाइम पे जो वेबसाइट पर रश हो जाता है, हैंग हो जाती है वेबसाइट, उसका सामना नहीं करना पड़े। सभी तरीके डॉक्यूमेंट इसमें लिखे हुए हैं वो सब आपको रेडी करके रखने हैं, ताकि जब एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उसमें आप रेडी रहें। एज लिमिट दोस्तों NXT 3 के अंदर ही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वहाँ पर एज लिमिट भी लिखी हुई है, इसको भी आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं। और एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर गिवन है, यानी किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन है। इन रिलैक्सेशन का यदि आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इनका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास, वैलिड प्रूफ होना कंपलसरी है। और जो SC ST OBC सर्टिफिकेट, इन सब का परफॉर्मा भी आपको इसी PDF में मिल जाएगा। तो इसलिए बार बार बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इस PDF को केयरफुली पढ़ लें। PWD कैंडिडेट कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल हैं और स्क्रिबल की फैसिलिटी कैसे अवेल कर सकते हैं, ये सब जानकारी भी इस PDF में आपको मिल जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 3 सेपरेट एग्जाम कंडक्ट होंगे, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें आप चेक सकते हैं सेक्शन कौन कौन से हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट इसकी ड्यूरेशन है और 80 मिनट उनके लिए जिन्होंने स्क्राइबर की फैसिलिटी अवेल करी है। सो बेसिकली दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर होनी है 0.50 की, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन CBT एग्जाम
विल बी नॉर्मलाइज। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है, यानी अगर एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होते हैं तो एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है दोनों शिफ्ट में वो अलग अलग होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब चीज़ें फॉलो की जाएंगी। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो आपका है वो भी कंडक्ट किया जाएगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म आप फिल करेंगे। दोस्तों आंसर कीज भी आएगी सीपीटी एग्ज़ाम के बाद, उस आंसर की को आप चेक कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेंगे यदि आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं आंसर की को। और यहाँ पर सिलेबस भी गिवन है आपका, मेट्रिकुलेशन लेवल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है 10+2 यानी 12+ वाली, 12th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, और ग्रेजुएशन या फिर उससे अबव लेवल वाली पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एडमिट कार्ड भी इसके वेबसाइट पर आएंगे सीपीटी एग्ज़ाम से पहले, तो एडमिट कार्ड आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम डे के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने हैं आपको वो भी यहाँ पर गिवन है। आपका वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त ये चीज़ें ध्यान रखें कि जो आप जो फोटोग्राफ अपलोड करेंगे और जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो ब्लर्ड नहीं हो। और दोस्तों जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी गाइडलाइंस लिखी हुई होंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, तो एडमिट कार्ड जब आप आएगा आपका उसको भी आप केयरफुली पढ़ लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीबीटी मोड के बाद, सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, NOC लगेगा यदि आप एम्प्लॉई हैं, या फिर कास्ट का सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, तो ये सब चीज़ें आपको रेडी करके रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम रह जाता है आपका तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा हुआ है सीबीटी मोड के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट वगैरह है जिस भी आप एलिजिबल हैं वो सब चीज़ें इसमें कंडक्ट होंगी। एप्लीकेंट हु हैव ब्लड नो फोटोग्राफ ब्लड नो सिग्नेचर फी नॉट रिसीव इनकम्प्लीट एप्लीकेंट एट्सेट्रा विल बी रिजेक्टेड। सो बेसिकली अगर आपका फोटोग्राफ ब्लड हो, सिग्नेचर ब्लड हो, या फिर अपलोड ही ना किया गया हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा कैंडिडेट, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर 2 लेवल ऑफ पोस्ट, एग्जाम्पल मैट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी, यानी मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी दो पोस्ट के लिए किसी ने अप्लाई किया है, तो ही शी विल अपेयर वंस फॉर ईच लेवल ऑफ एग्ज़ाम, दैट इज़ वंस फॉर मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट कैटेगरीज एंड वंस फॉर हायर सेकेंडरी लेवल कैटेगरीज, यानी हर पोस्ट के लिए आपको एक बार ही अपेयर होना पड़ेगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सच कॉमन कैंडिडेट विल बी यूज बाय अदर रीजन सब रीजन फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट, यानी दोस्तों आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग अपेयर होना है। जैसे अगर सपोज आपने 10th वाली पोस्ट के लिए अलग अलग रीजन में भी अप्लाई किया है तो आपको 10th वाली पोस्ट के लिए एक ही बार अपेयर होना है, ठीक है। तो जो आप उस एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो वो उसके जो मार्क्स होंगे वो सभी रीजन कंसिडर करेंगे जहाँ जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया होगा। कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर गिवन है, अनरिजर्व के लिए 35% है, OBC और EWS के लिए 30% है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 25% है। रेशो देख लीजिए, रेशो यानी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:20 है फॉर अप टू 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी। अगर किसी कैटेगरी में 5 वैकेंसीज हैं तो एक पोस्ट के लिए 20 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 5 के लिए 100 लोगों को, और 1:10 है इफ़ मोर देन 5 वैकेंसी फॉर एनी कैटेगरी। अगर किसी कैटेगरी में 5 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और दोस्तों जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो उसको अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करनी होगी। स्किल टेस्ट वेन एवर प्रिस्क्राइब फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कंडक्ट फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट होज हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिसीव, यानी दोस्तों अगला स्टेज तभी कंडक्ट होगा आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जब भी कंडक्ट होगा जब आप अपनी कॉपी सबमिट कर चुके होंगे। और दोस्तों कुछ रीज़न है जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है तो उसको भी आप केयरफुली यहाँ पे चेक कर लें, यानी फोटोग्राफ वगैरह सही से अपलोड करें, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें, और फीस पेमेंट करने के बाद अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। ओवर एज नहीं हो आपकी, अगर ओवर एज है यानी रिलैक्सेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कंसिडर किया जाएगा, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी में और 30 से ज़्यादा एज के लिए आपने अप्लाई कर दिया और कैटेगरी भी जनरल रही तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इसमें कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं पाएगा या फिर आपने एग्ज़ाम हॉल में कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी कर दी तो
वो सब चीज़ें कारण बन सकती हैं इसका रिजेक्शन होने के लिए। दोस्तों ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करिएगा जिसकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम हो और आप आगे 2 साल तक या 3 साल तक अपने एसएससी के एग्ज़ाम में, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में अपियर ना हो पाएँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं और उसके आगे लिखा हुआ है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में नहीं अपेयर हो सकते एसएससी के। तो इन सब एक्टिविटीज़ को केयरफुली पढ़ लीजिएगा और बहुत ही आपको यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बारी आती है हमारी पोस्ट की, यानी किस सेंटर में कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हैं और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, यानी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे सपोज CR रीजन है, सेंट्रल रीजन, तो यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है और पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। ठीक है, नेम ऑफ द यूज़र डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज़ है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन एंड अबव। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर जॉब की वो चेक किसे करनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लिंक गिवन है, इस लिंक को क्या करना है आपको सिंपली कॉपी कर देना है। सेलेक्ट करके इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको इसको अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है, यानी जिस जो भी ब्राउज़र आप चला रहे हैं उसमें पेस्ट कर देना है। उसमें पेस्ट करने के बाद दोस्तों एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। कुछ इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पर आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे अगेन, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश सब रीजन सेलेक्ट कर लिया, सर्च कर लिया इसको मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो सी पोस्ट हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में उसका नाम, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम होगा, पोस्ट का नाम होगा, पोस्ट कोड होगा, ठीक है, और एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई होगी उस पर्टिकुलर पोस्ट की। तो एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे जनरल वाली है, रिलैक्सेशन करके आप अपनी कंसिडर कर लेंगे एज लिमिट। लेवल लिखा हुआ है पोस्ट का और यहाँ पर आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल्स, सभी तरीके की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी, देखिए ये एडिशनल डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगी आपको और एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। ठीक है, इसका लिंक अगर आप चाहें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एनेक्सर 23 काफ़ी लंबा एनेक्सर है, काफ़ी लंबी सारी वैकेंसीज इसमें लिखी हुई हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं और लिंक कॉपी पेस्ट करके अपनी वैकेंसीज की एडिशनल डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है अप्लाई कैसे करें। ऑनलाइन अप्लाई करना है SSC की वेबसाइट पर जाकर, पहले न्यू यूज़र पर जाना है, रजिस्टर करना है, अपना आधार नंबर डालना है, आधार नहीं है तो पासपोर्ट वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉलेज आईडी कार्ड भी डाल सकते हैं। बाकी आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, हर चीज़ दो दो बार मांगी जाएगा पहले स्टेप में। ठीक है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, दोस्तों किसी भी नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, मिस कुछ नहीं लगाना, ठीक है, डॉक्टर वगैरह कुछ मत लगाना, सिंपली नाम लिखना अपना और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, वो सब चीज़ें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखना। 10th का रोल नंबर पूछा जाएगा आपको उसमें, वो सब चीज़ें आपको केयरफुली एंटर करनी है। ठीक है, इमेज का जो साइज़ है वो क्या रहने वाला है और सिग्नेचर के साइज़ है वो यहाँ पर गिवन है, इसको भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जाएंगी, एडिशनल डिटेल पूछी जाएंगी और आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर हर तरीके की डिटेल गिवन है कि क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। पहले वाले पेज पर आपको जो डिटेल मांगी जाएंगी उसको एंटर करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आएगा। पासवर्ड से लॉगिन करके पहले तो आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर न्यू पासवर्ड जब आप क्रिएट कर चुके होंगे उससे फिर अगेन लॉगिन करना है और आपको सारी अपनी जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो सब चीज़ें वहाँ पर एंटर करनी होंगी, जैसे आपकी कैटेगरी क्या है, नेशनलिटी क्या है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है आपका और वेदर यू आर PWD कैंडिडेट और नो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैंने आपको बता दिया अपलोड करना है और सब चीज़ें यहाँ पर करनी है। डिटेल्स जैसे जैसे आपको बताई जाएंगी केयरफुली आप एंटर करिएगा। Part 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से, फिर जो अदर डिटेल्स हैं आपकी वो वहाँ पर पूछी जाएंगी, रीजन सेलेक्ट करना होगा, पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी आपको, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट का नाम क्या है, क्या कोड है, वो सब चीज़ें पहले चेक कर लीजिएगा उसमें एंटर करने से पहले। अपना आपको एग्ज़ाम सेंटर्स में देना पड़ेगा प्रेफरेंस, क्या आप CW कैंडिडेट हैं या नहीं, यानी आर्म्ड ऑफिसर के सन हैं या डॉटर हैं या नहीं, वो सेलेक्ट करना होगा आपको। ठीक है,
तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, आप केयरफुली इसको फॉर्म फिल करिएगा। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस आपको, दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल एंटर करना ज़रूरी है यदि किसी पोस्ट में वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो। अगर किसी पोस्ट में वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप ज़रूर उसको एंटर कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की डिटेल पूछी जाएंगी, आई एग्री पे बटन भी पूछा जाएगा और ज़्यादा डिटेल्स हैं उसको एंटर करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। चूँकि दोस्तों यहाँ पे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करके नहीं बता सकते क्योंकि कोई वैलिड फ़ोन हमारे पास इसमें नहीं है, तो इस वजह से। तो फिलहाल यहाँ पे जो कैटेगरी के फॉर्मेट जैसे कि मैंने आपको बताया था वो भी गिवन है, इसको भी आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा आगे भी कुछ अपडेट आते रहेंगी फेज 7 वैकेंसी से, यदि कोई चेंजेस आते रहेंगे तो भी हम वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।